गंगा तुम यहाँ नजर रखो, सब कुछ बढ़िया बन रहा है कि नहीं, है नो? अरे लड़की का ब्याह है, समझो के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए, हम बाहर जाकर मेहमानों को संभालते हैं, है नो? चल चलिए आप मेरे साथ चलिए, बहुत काम पड़ा है। क्या कर रहे हो? मिर्ची उठा रहा हूँ। खाना जब तक तीखा ना हो स्वाद नहीं आता ना। इसमें तो नमक बहुत कम है। इसे भी चक्कर बता दीजिए। तू उसे बात नहीं कर सकते? ये ठीक है, गुलाब जामुन भी देख लीजिए। समझ में नहीं आता, हम कह रहे हैं दूर से बात करो उनसे। हम ये कह रहे हैं कि चाशनी ठीक ठाक है या मीठा और डालना पड़ेगा। नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम दूसरों से अलग हो, बहुत महान हो। वो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लेके आओ धनिया जल्दी। गंगा जल्दी लेके आओ। शिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मामी, बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम सोचे एक बार रसोई में देख ले काका बन रहा है खाने अच्छा, के लिए। हाँ अच्छा, जा जाओ बाहर देखो जाके खाना ठीक से लग रहा है कि नहीं, जा। हाँ अभी देख लेते। गंगा तुम ये पूरी की अड़िया लो और चलो मेरे साथ, चलो उठाओ, चलो आओ। हो रहा है सब? क्या कर रहे हैं आप हमारे कमरे में? अरे ओहो, ये कुर्ता भी हमारा है? हमारा कुर्ता भी पहन लिए? चलिए हमारा कुर्ता वापस कीजिए, उतारिए। अरे कुर्ता हमारा है, दीजिए हमको अभी के अभी वापस कीजिए। अरे दीजिए, क्या हुआ? हम आपसे कहे थे ना, जब तक आप नहीं कहेंगे कि हम दोनों पति पत्नी हैं तब तक हम चुप बैठे रहेंगे, किसी से कोनो कुछ नहीं बोलेंगे। दीजिए जवाब, ये पराए मर्द के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? बस कर दूसरे, बहुत हो गया। क्यों इतना परेशान कर रहे हो हमें? हम मानते हैं कि हमने आशी के साथ जो कुछ भी किया, चाहे अनजाने में किया, वो बहुत गलत था, और उसके लिए आशी के पैरों पर गिर के उससे माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना हमारे साथ, वो भी ठीक नहीं है। जो आप किए हैं उसके लिए आपको आशी से नहीं हमसे माफी मांगना होगा। कभी नहीं, और मैं अनपढ़ गवार समझने की गलती मत करना। हम तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे और तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। अरे वाह, अभी इतना अकड़? अकड़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं इसे, हमारा आत्मसम्मान है। लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को मर्दों से कम समझते हैं। चलिए मान लिया कि हम बिल्कुल वैसे ही मर्द हैं जैसा आप कहें, लेकिन आप में भी कोनो अहंकार अकड़ कम नहीं है।
कितनी बेशरम लड़की है ये। एक पराए आदमी के कमरे में इतनी रात को चली आए है ना? आप जैसा समझ रही हैं, वैसा कुछ नहीं। सब समझते हैं हम लड़की, दुनिया देखी है हमने, एक नजर में ताड़ लेते हैं सब। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं, इतनी रात को शिव के कमरे में किस लिए आई? सोच रही होगी कौन देखेगा इतनी रात को, हे भगवान कैसा जमाना आ गया। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप, जब कुछ पता नहीं है तो चुप रहिए ना। क्या पता नहीं हमें, और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? शिव का कुर्ता क्यों पहना? बोलो अब चुप क्यों खड़े हो? देखिए मामी जी, आप जैसा अब शिव से पूछिए। क्या पूछिए शिव से? अरे गलती तुमने की है, आधी रात को शिव को कमरे में क्यों आई? अरे जरा हालत तो देखो अपने, पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? हेलो बस कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अरे मैं क्या समझ रखा है? वही जो देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं। गलत समझ रहे हैं आप सब। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमारे मठाधीश जी क्यों बोलेंगे, सवाल हमेशा औरतों से किए जाते हैं, मर्दों से नहीं। और कितना परीक्षा देना होगा हमको भगवान, नहीं देख सकते हम गंगा को ही हाल में, उनका अपमान सहन नहीं होता हमसे। अब गंगा अब तो बोल दीजिए, ये आप हमारा पत्नी, बस एक बार गंगा अपने मुंह से सच बता दीजिए। अरे रो क्यों रही हो, बताओ सबको किस अधिकार से शिव के कमरे में आई हो? इनकी पत्नी के अधिकार से। शिव हमारे पति हैं। शिव बेटा हमको पता नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्म पत्नी भी आई है, इसलिए हम इसे कुछ दे ना पाए। अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हमारे गांव में प्रथा है कि जब किसी की पत्नी को सम्मान स्वरूप कुछ भेंट की जाती है तो उसे अपने पति के साथ जोड़े में बिठाकर उसके हाथ में पत्नी का हाथ रखकर वो भेंट लेनी होती है नो? मामी ये तो हमारे फोमे में आपने आईफे क्यों नहीं किया, काहे भेदभाव कर रही हैं? ये मठाधीश की पत्नी है, हैनू? हैनू? चलो बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। लाओ अपना हाथ लाओ ऐसे। गंगा भाभी ने वो चांदी के सिक्के एक बूढ़े आदमी को दिए हैं। हमने चांदी के सिक्के किसी को भी नहीं दिए हैं। हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले गंगा? शिव तुम तो हम पे विश्वास करो ना। आप हमारा माँ के साथ साथ इन सब लोगों का भी अपमान किए, इसका सजा आपको मिलेगा। और आपका सजा ये है कि दो दिन के अंदर आपको उस सारा चांदी का सिक्का वापस लाना होगा, और अगर आप ऐसा ना कर पाए तो जो हम सजा सुनाएंगे वो सजा आपको मानना होगा।